बिसमरिम्स बच्चों आज आपके उर्दू के काम में हम मुकालमा नवीसी पढ़ेंगे उस मुकालमे में हम डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा देखेंगे इससे पहले कि हम मुकालमा पढ़ें मुकालमे से पहले हम मुकालमे का तारुफ और इसके असूल देखेंगे कहते हैं मुकालमा दो या दो से ज़्यादा आदमियों की बातचीत को कहा जाता है मुकालमा ज़ुबानी भी होता है और तहरीरी भी इसके ज़रिए हम एक दूसरे के ख़्याल से आगा होते हैं इसी से एक दूसरे के किरदार का पता चलता है और किसी किरदार की शख्सियत खुलकर सामने आती है मुकालमे के असूल देखिए मुकालमा लिखते हुए दर्ज़ल बातों को मद्नज़र रखना चाहिए मुकालमे का आगाज़ फितरी और बेसाख्ता अंदाज़ में करें लंबे लंबे मुकालमे लिखने से गुरेज़ करना चाहिए बातों को दोहराने से गुरेज़ कीजिए मकालमा मुखसर होना चाहिए दो अफराद के दरमियान होने वाली बहवीं गुफ्तु में मकाले की मसावी तकसीम का ख़्याल रखें गुफ्तु का अंदाज़ ऐसा हो कि बात से बात खुद ब खुद निकलती आए जुबान का आम बोल चाल के मुताबिक होना ज़रूरी है अच्छे आगाज़ की तरह मकालमे का हतमी और मुकम्मल अख्तितम भी कीजिए यहाँ आपके सामने मुकालमा नंबर एक डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान मुकालमा है जो आपकी पीटीबी की बुक से लिया गया है यानी इंशा से ये मुकालमा आपकी इंशा की बुक पर भी मौजूद है यहाँ ये यह मुकालमा आपके सामने है डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान बेटा आप जब यह मुकालमा अपनी किताब से याद कर रहे होंगे तो आपने एक बात का ख्याल लिखना है कि जब ये मुकालमा तहरीरी तौर पर आप लिखेंगे तो इसमें रमोज़ अकाफ़ का ख़याल रखा जाए क्योंकि अगर जुमले लिखते वक्त इबारत लिखते वक्त रमूज अवाफ़ का ख़्याल ना रखा जाए तो वो मकालमा दुरुस्त मकालमा तवर नहीं किया जाता मरीज़ देखिए मरीज़ के आगे उन्होंने रबता की, की अलामत लगाई है ये जो दो नुकते आपको नज़र आ रहे हैं ये राबता की अमामत हैं इसका मतलब होता है कि जुमला अभी आगे जारी है डॉक्टर साहब अलकम अकम के बाद ख़त्मा आगे डॉक्टर कहते हैं वाईक सलाम तशरीफ़ रखिए मरीज़ तशरीफ़ रखना ही तो मुश्किल है डॉक्टर क्यों भाई ऐसी क्या तकलीफ़ हो गई है सवालिया निशान आगे मरीज़ कहता है तकलीफ़ ही तकलीफ़ है रात भर परेशान रहा हूँ घड़ी भर सो नहीं सका डॉक्टर तकलीफ़ तो भाई तकलीफ़ ही है सेहत ठीक ना हो तो चैन नहीं आता मरीज़ कुछ दवा भी दीजिए मरा जा रहा हूँ डॉक्टर बीमारी बताओ तो दवा दूँ मरीज़ डॉक्टर साहब पेट में दर्द है बैठे चैन आता है न लेटे डॉक्टर ये दर्द कब से है मरीज़ आज रात से डॉक्टर रात क्या खाया था मरीज़ रोटी का एक टुकड़ा डॉक्टर क्या आपने पहले कभी रोटी नहीं खाई रात की रोटी में क्या ख़ास बात थी मरीज़ रात की रोटी में ख़ास बात ये थी कि वो जली हुई थी डॉक्टर अरे तुम जली हुई रोटी खा गए मरीज़ सिर्फ़ एक टुकड़ा खाया था डॉक्टर ओहो हो क्या आपकी नज़र कमज़ोर है लेट जाओ तुम्हारी आंखों में दवा डाल देता हूँ मरीज़ नज़र ठीक है पेट में कुछ डालिए ताकि दर्द से जान बचे डॉक्टर वादा करो कि आइंदा जली हुई रोटी नहीं खाओगे मरीज़ सौ बार वादा करता हूँ हाय मेरा पेट डॉक्टर मरीज़ को गोली खिलाता है मरीज़ डॉक्टर साहब शुक्रिया दर्द कम हो रहा है मैं जाता हूँ डॉक्टर अरे मियाँ दवा की कीमत तो देते जाओ मरीज़ दवा की कीमत दर्द से आराम ही तो है डॉक्टर दवा की कीमत दाम भी हैं जिनसे दवाएं ख़रीदी जाती हैं मरीज़ दवा की कीमत अदा करके वालेकुम, डॉक्टर वालेकुम सलाम। रोटी खाने से पहले देख लिया करो कि जली हुई तो नहीं मरीज़ शुक्रिया अदा करता हुआ चला जाता है बटे यहाँ आपका मुकालमा नंबर एक मैंने आपके सामने पढ़ दिया है ये मुकालमा आपकी वायदो इनशा पर मौजूद है आपने एक काम का बात का ख़्याल रखना है कि जब आप ये काम याद करेंगे तो इसके याद करने के साथ आपने इसको रफ़ कॉपीज़ पर लिख कर भी देखना है ताकि आपकी अमला की गलतियाँ जो हैं वो दूर हो सकें शुक्रिया अल्लाह हाफिज अल्लाह निगेबान